ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं ऊर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युरमोक्षीयमामृता बुलिशंकर भगवान की जय। नमस्कार, आभार, सुस्वागतम। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस नए एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि साल 2021 में गंगा दशहरा का पर्व किस दिन मनाया जाएगा और साल 2021 में गंगा दशहरा पर्व के दिन आप क्या कार्य करें जिससे भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके परिवार में सदा सुख शांति बनी रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी दर्शक पहली बार पंडित नीति शास्त्री चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे क्योंकि धर्म कर्म से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए अब भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि साल 2021 में गंगा दशहरा का पर्व कब मनाया जाएगा। प्रिय साथियों, गंगा दशहरा का पर्व हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा पर्व के दिन जो भी सत्यपरायण होकर गंगा आदि नदियों में स्नान करता है उनके सभी पाप धुल जाते हैं, माता गंगा की कृपा सदा उन पर बनी रहती है। गंगा दशहरा पर्व के दिन आप अगर पवित्र तीर्थ में स्नान करते हैं तो ऐसा करने से कभी भी आपके ऊपर पितर दोष नहीं होता, कभी भी आपके घर में पितर दोष नहीं होता। अगर आप इस दिन किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाकर स्नान करें तो ऐसा करने से आपके जन्म जन्मांतर के सभी पाप धुल जाते हैं और आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और ऐसी भी मान्यता है कि गंगा दशहरा पर्व के दिन जो भी गौ माता की सेवा करता है ऐसा करने से भी मनुष्य को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रिय साथियों, साल 2021 में गंगा दशहरा का पर्व 20 जून रविवार के दिन मनाया जाएगा। जी हाँ, 20 जून 2021 रविवार के दिन साल 2021 में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन आप सुबह उठकर के पवित्र तीर्थ पर जाकर स्नान करें। अगर आप कहीं पवित्र तीर्थ पर नहीं जा सकते या आपके घर के आसपास कोई पवित्र तीर्थ या कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप अपने घर पर ही स्नान करने वाले जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें और ओम गंगाए नमः इस मंत्र का जाप करते हुए फिर स्नान करें। ऐसा करने से आपको अपने घर पर ही गंगा आदि नदियों में स्नान करने का पवित्र पुण्य प्राप्त हो सकता है। प्रिय साथियों, गंगा दशहरा के दिन आप जितना अधिक ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करेंगे या ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करेंगे उतना ही अधिक आपको भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। प्रिय साथियों, गंगा दशहरा के दिन आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर के दीपदान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको रोजगार में तरक्की प्राप्त होती है, आपको रोजगार में आ रही अड़चने दूर होती हैं। प्रिय साथियों, गंगा दशहरा का पर्व बड़े ही धूमधाम से भारत में मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा पर्व के दिन अगर आप अपने घर में माता सरस्वती की वंदना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं तो पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षा में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भक्तों को आज का एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूँ। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।